दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रजीत देवनाथ और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि बिल्डर हॉल 4 के लिए कौन सी अटैक स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, पहला जो स्ट्रेटजी है वो है जायंट और आर्चर का। तो मैं आपको इस स्ट्रेटजी का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एक अटैक किया है मैंने। तो आप जब आर्चर को छोड़ते हैं तो वो गार्ड पोस्ट के गार्ड्स को मार देता है और वीर उन जायंट्स का साथ देते हैं मार। तो ये स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैसा खेला है। दोस्तों, मैंने इसमें 50% किया है और मैं आपको एक दूसरी अटैक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ जो है जायंट और मिनियन की अटैक स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस अटैक में 9 जायंट्स और 6 मिनियन लिए हैं। तो दोस्तों, ये अटैक स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, जब जायंट सब फायर डिफेंसेस को अरे एयर डिफेंसेस को मार दे तो आप मिनियन छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जायंट्स तो मर गए लेकिन ये मिनियंस जो है उन्हें कैनन और क्रशर और डबल कैनन नहीं मार सकते। तो अब ये मिनियंस धीरे धीरे पूरा बेस तोड़ देंगे। जैसा आप देख सकते हैं, मिनियंस ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने क्रशर को भी मार दिया है और अब है डबल कैनन की बारी। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस अटैक पर 100% कर लिया है। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी अटैक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ जो है जायंट प्लस बारबेरियन प्लस आर्चर की जायंट स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, ये है वो अटैक जो मैंने किया था। तो दोस्तों, ये भी बिल्डर होल 4 का है और इसका सब कुछ मैक्स है। तो दोस्तों, इसे देख सकते हैं कि मैंने कैटे अटैक किया है। दोस्तों, इस अटैक ने 100% कर लिया है। मेरा मतलब 100% करेंगे, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया है। तो अब सिर्फ ये फायर बॉम्ब, ये गोल माइन, ये स्टार लेबोरेटरी बाकी है। अरे, जायंट्स उड़ गए। दोस्तों, जायंट्स स्प्रिंग ट्रैप से उड़ गए हैं। तो अब सिर्फ ये दो आर्चर ही बाकी है। तो देखते हैं ये दो आर्चर क्या कर सकते हैं।
सो दोस्तों, आर्चर ने लेबोरेटरी को मार दिया है और 87% किया है। ओ दोस्तों, यहाँ पर एक क्लॉक टावर और एक गोल माइन भी है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आर्चर्स ने जेम माइन को मार दिया है, अब है क्लॉक टावर की बारी। तो ये लोग क्लॉक टावर के पास पहुंच गए हैं और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये फिनिश्ड। दोस्तों अब मैं एक अटैक करने जा रहा हूँ, सो आप प्लीज़ प्रे कीजिए कि मैं इस अटैक में जीत जाऊँ। अगर मैं इस अटैक में जीत जाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मैंने स्टार्ट किया है, ये सब देख सकते हैं, ये भी 4 का ही है। ये बेस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, सो ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर आर्चर छोड़ते और भी यहाँ पर जाइंट्स, तो दोस्तों ये जाइंट्स जो है ये वहाँ पर चले जाएंगे। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं इस अटैक में जीतूंगा क्योंकि मेरी शुरुआत बहुत बुरी है। ओ नो, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं इस अटैक पर जीत सकता हूँ। ओ माय गॉड, मैं हार गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, उसमें तो 44% गलत। दोस्तों मैं अभी टाउन हॉल 6 पे हूँ, मतलब ये मेरा दूसरा अकाउंट है और मेरा पहला वाला अकाउंट टाउन हॉल 9 में है। ओ मुझे वार में भी सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरा बेस देख सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी जब मैं अपना दूसरा वीडियो छोड़ूंगा यूट्यूब पर। तो आज के लिए बाय बाय।